तुलिका की नोक पर हिमाचली संस्कृति और जनजीवन को उकेरने वाले युवा चित्रकार अमन कुमार ने कहा कि हिमाचली संस्कृति को कैनवास पर उकेरना दिल से अच्छा लगता है। मलेशिया से हाल ही में लौटे अमन के चित्रों की प्रदर्शनी विदेशों में लग रही है। अब तक उनके चित्रों को यूक्रेन, मलेशिया, यूरोपीय देश सेलोनिविया और मलेशिया में प्रदर्शित किया जा चुका है। मलेशिया के कुआलालंपुर से लौटे अमन कुमार ने बताया कि विदेशों में हिमाचली संस्कृति पर बने अनेक चित्रों को दर्शकों ने बहुत सराहा, मगर अपने देश में हिमाचली चित्रकला की पहचान कम है। हिमाचली टोपी को उत्तराखंड के रूप में माना जाता है, जिसे अलग पहचान दिलाना अब उनका मकसद है। अमन ने बताया कि एशिया की आर्ट मार्केट सबसे बेहतर है। मलेशिया में उनके चित्रों का बेस प्राइस 1,00,000 रुपए रखा गया है। इसके अलावा चाइना इस मामले में कहीं आगे है। पेंटिंग के लिए कागज, रंग और ब्रश आदि का निर्माण चीन में ही होता है। उन्होंने बताया कि अपने देश के मशहूर चित्रकार पांडिचेरी के राजकुमार तावरी से मिलना जैसे सपने का साकार होने जैसा है। मलेशिया में उनके चित्रों के साथ अमन के चित्र भी प्रदर्शनी में शामिल किए गए। अमन ने बताया कि कांगड़ा और राजस्थानी चित्र शैलियों की तरह मंडी कलम की एक अलग पहचान है, जिसमें रंगों का चटकपन ना होकर रंगों का संयोजन बेहतर है, वहीं पर रेखाओं का विस्तार गाढ़ा है। ऐसे में इसमें पत्थरों, फूलों और फलों से रंग निकाल कर प्रयोग किए जाते हैं। बहुत ही प्यारा सा छोटा सा शहर है, वहाँ पे बहुत प्यार मिलता है मेरी कला के लिए। मैं बहुत खुश हूँ, मैं दुनिया के अलग अलग तीन अलग 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 देशों में इस साल अपनी पेंटिंग्स को एग्जीबिट करके आया हूँ, जो कि मंडी शहर के लिए बहुत खुशी की बात है। वो बहुत प्यार अपना मुझे दिखा रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म हूँ उनके जेस्चर से। मैंने इस साल यूक्रेन, स्लोवेनिया और मलेशिया के कुआलालंपुर में अपनी पेंटिंग्स को प्रदर्शित किया, जो कि अपने हिमाचल के कल्चर पे बेस्ड है। और मुझे बहुत खुशी मिलती है जब मेरे आर्टवर्क को इतना प्यार दिया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मंडी शहर के लोगों का। वाटर कलर हो, चाहे ऑयल पेंटिंग्स हो, चाहे एक्रेलिक पेंटिंग्स हो, लेकिन बेसिकली अभी मैं हिमाचल के अपने कल्चर को एक्सप्रेस करने के लिए वाटर कलर को सबसे अच्छा मीडियम अभी मेरा चल रहा है, तो मैं उसी में काम करता हूँ। इसके लिए मैं अलग अलग ट्राइबल एरियाज़ में हिमाचल के जाके फोटोज़ क्लिक करता हूँ, अपने खुद के, मेरी कलेक्शन है फोटोज़ की, उसी से मैं देख के बनाता हूँ। कभी किसी के और के फोटोज़ को देख के नहीं बनाता, और फोटोज़ को भी एज इट इज़ नहीं बनाता, उसमें अपनी इम्प्रोवाइजेशन, जो कि एक एक्स फैक्टर आप कह सकते हैं, उसमें ऐड करता हूँ और उसको बनाता हूँ। अपनी कोशिश करता हूँ कि जो एक्सप्रेशन है हमारे हिमाचल के बोले वाले लोगों का, उसमें कैप्चर कर सकूँ। इधर भारतीय संस्कृति निधि इटेक्स मंडी चैप्टर के अध्यक्ष नरेश मल्होत्रा का कहना है कि मंडी कलम को पहचान दिलाने, इसके संरक्षण और संवर्धन की दिशा में इटेक का प्रयास रहेगा। कांगड़ा की तर्ज पर मंडी कलम को भी पुनर्जीवित करने में भारतीय संस्कृति निधि मदद करेगी। इस अवसर पर अमन के पिता चित्रकार राजेश कुमार, इटेक के प्रतिनिधि अनिल शर्मा, पृथ्वी सेन आदि मौजूद रहे। इंटेक मंडी भारतीय संस्कृति निधि का मंडी चैप्टर मंडी जिले के संस्कृति, कला और संस्कृति के रिवाइवल पे अधिक फोकस दे रहा है। इस रिवाइवल प्रोग्राम के अंतर्गत हमने शुरू किया पंचमी एकादश का जो त्यौहार मनाया जाता था हनुमान घाट पे, जो 40-50 वर्ष लगभग समाप्त हो गया था, खत्म हो गया था, कुछ भी उसमें एक्टिविटी नहीं रह गई थी, तो उसको हमने रिवाइव किया। लोगों के बीच जाके उनको बताया कि इसका क्या महत्व है और कैसे उनको फैसिलिटीज़ दी, जो ढोने थे, बत्तियां थी, वो बना के दी आटे की। विशेष रूप से हमने ये ध्यान रखा कि किसी प्रकार का दरिया में पॉल्यूशन ना हो, तो वो पत्तियां बनाई, हरी बत्तियां होती थी, आटे की वो बनाई जाती थी, बत्तियां बनाई जाती थी, ताकि आटा जो है मछलियों के लिए हो जाए और हरी पत्तियों का कोई पॉल्यूशन नहीं होता था। ये हमारा बेसिक फंडामेंटल फोकस था, तो ये बहुत पॉपुलर हुआ, बड़ा लोकप्रिय हुआ। पहले साल 700-800 महिलाएं इसमें भाग ली, दूसरे बार भी इसी तरह से हुए, सांसद हमारे वो भी आए थे और पंडित लोग भी आए थे, तो 2 साल तक हमने इसको सपोर्ट किया पंचमी एकादश को, और ये अच्छी तरह से चल पड़ा है। हर मास मुझे बताया गया कि पूर्णमासी के दिन
आरती वहाँ होती है, तो बड़ी खुशी की बात है। अब आगे हमने सोचा कि आगे वेदांत कुटीर के साथ जो घाट है उसको भी साफ सफाई करके अगले वर्ष तक